इंशाल्लाह आज की क्लास में हम जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स स्ट्रेट लाइंस की कंटिन्यू करेंगे। देखिए आज ये फॉर्मूला देखिए, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं और इमेज और रिफ्लेक्शन। सपोज हमारे पास एक लाइन है, याद रख लेना इसको। सपोज लाइन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। लाइन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। और सपोज एक पॉइंट है हमारे पास एक्स वन वाई वन। तो ये पॉइंट से जो है हम एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, समझो सपोज यहाँ पे। तो ये पॉइंट जो नहीं, सपोज ये पॉइंट पी है, ये लाइन ए बी है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। आमतौर पर इसको एच कॉमा के से बताते हैं। एच कॉमा के रिप्रेजेंट्स फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है ना। क्यों, सपोज ये आदमी ठहरा समझो, तो ये उसके अब फुट हुआ था फीट। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फॉर्मूला रहता है, ये याद रखना है इसको। एच माइनस एक्स वन बाई ए, k माइनस वाई वन बाई बी, माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें से हम h माउंट करना और k माउंट करना। h और k क्या था, ये रहता फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। वैसे इमेज में थोड़ा फर्क रहता है, इमेज या रिफ्लेक्शन। सपोज ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अब हमारे पास एक पॉइंट है सपोज यहाँ पे एक्स वन वाई वन। तो इसका इमेज कैसा फॉर्मिंग है, इसके नीचे फॉर्म होता है, जितना ये ऊपर है उतना नीचे। तो यहाँ पे फॉर्म होता है इमेज, इमेज बोलेंगे या रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो इसके फॉर्मूले के लिए सिर्फ थोड़ा चेंज होता है, यहाँ पे टू आता बस। तो इमेज या रिफ्लेक्शन पूछो तो फॉर्मूला के यूज करेंगे हम एच माइनस एक्स वन बाई ए, के माइनस वाई वन बाई बी। यहाँ पे माइनस टू आ जाएगा, डबल हो रहा ना, इसलिए माइनस टू इंटू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप लोग थोड़ा ये फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन करेंगे हम। अब देखिए अपॉन द लाइन, लाइन ने लिखा ना, मैं एक मिनट में हूँ। फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम थ्री कॉमा जीरो टू द ऑन द लाइन फाइव एक्स प्लस ट्वेल्व वाई माइनस फोर्टी वन इक्वल्स टू जीरो। फाइव एक्स प्लस ट्वेल्व वाई माइनस फोर्टी वन इक्वल्स टू जीरो। अब इसको स्टार्ट करेंगे हम। देखिए सबसे पहले क्या करना, हम गिवन लाइन को, गिवन लाइन इसको समझेंगे हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू, यानी ए की वैल्यू फाइव, बी की वैल्यू ट्वेल्व, सी की वैल्यू माइनस फोर्टी वन। और पॉइंट क्या है हमारे पास, पॉइंट है थ्री कॉमा जीरो, इसको समझेंगे हम एक्स वन वाई वन। अब क्या पूछ रहा हूँ, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फॉर्मूला डालना है एच माइनस एक्स वन बाई ए, के माइनस वाई वन बाई बी, माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी by a square plus b square। इसको सॉल्व करेंगे अपन, h minus x1 is 3 by a, a is 5 equals to k minus y1 is 0 by b is 12 equals to minus of a x1 plus b y1 plus c divided by a square plus b square। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। अब देखो इसको कैसा सॉल्व करना है, ऐसे ही डालो उसको, एच माइनस थ्री बाई फाइव इक्वल्स टू के माइनस जीरो के बाई ट्वेल्व। ये करेंगे फिफ्टीन माइनस फोर्टी वन, माइनस फोर्टी वन फिफ्टीन, क्या होता है माइनस ट्वेंटी सिक्स। या फिर से माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस ट्वेंटी सिक्स बाई, ये क्या होगा ट्वेंटी फोर्टी फोर प्लस फाइव स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, वन सिक्सटी नाइन होता है डिनोमीटर। वन फोर्टी फोर प्लस ट्वेंटी फाइव इज वन सिक्सटी नाइन। ये थ्री के, सॉरी थर्टीन के टेबल में आता ना, थर्टीन टू जो थर्टीन थर्टीन से, ये दोनों को साथ में कर लो के एच आता, ये दोनों को साथ में कर लो के आता। कैसा देखो, एच माइनस थ्री बाई फाइव इक्वल्स टू टू बाई थर्टीन। और वैसे इसको अलग कर दो, के माइनस ट्वेल्व, सॉरी के बाई ट्वेल्व इक्वल्स टू टू बाई थर्टीन। ये सीधा इधर लेके चलो, तो दे फोर के इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर बाई थर्टीन, के इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर बाई थर्टीन। यहाँ पे फाइव लेके और टेन, एच माइनस थ्री इक्वल्स टू फाइव टू जो टेन, टेन बाई थर्टीन। माइनस थ्री उधर लेके चलो, एच इक्वल्स टू टेन बाई थर्टीन प्लस थ्री, एच इक्वल्स टू एलसीएम ले लो, थर्टीन थ्री जो थर्टी नाइन, थर्टी नाइन प्लस टेन फोर्टी नाइन, फोर्टी नाइन बाई थर्टीन। दे फोर एच कॉमा के रहेगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फोर्टीन कॉमा थर्टी नाइन, थर्टीन सॉरी फोर्टी नाइन बाई थर्टीन कॉमा ट्वेंटी फोर बाई थर्टीन इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और एक ऐसा इमेज का कर लेंगे, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द स्ट्रेट लाइन। क्या समझना हम स्ट्रेट लाइन को, समझना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। पॉइंट को समझना एक्स वन वाई वन, इमेज का फॉर्म लग डालो। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लो, एच माइनस एक्स वन इज वन बाई ए, ए क्या है थ्री,
k minus y1, y1 is 2 by b, b is 4 equals to minus 2 into ax1, 3 into x1 is 1, by1, b is 4 into y1 is 2, plus c ane minus 1 by a square ane 3 square, plus b square ane 4 square, square ane dharo minus 2 into 3 1s are 3, 4 2s are 8 plus 3 11, 11 minus 1 10, divide by 16 plus 9 25, e cancel dana 5 5s are 5 2s. क्या होता है ये माइनस फोर बाई फाइव अलग अलग कर दो एच माइनस वन बाई थ्री इक्वल्स टू माइनस फोर बाई फाइव के माइनस टू बाई फोर इक्वल्स टू माइनस फोर बाई फाइव अब इसमें से क्या आएगा हमको इसमें से एच आ जाएगा इसमें से के आ जाएगा ये थ्री तो लेके जाओ एच माइनस वन इक्वल्स टू माइनस ट्वेल्व बाई फाइव थ्री फोर सा ट्वेल्व माइनस वन तो लेके चले जाओ तो एच इक्वल्स टू माइनस ट्वेल्व बाई फाइव प्लस वन फाइव वन जो फाइव फाइव माइनस ट्वेल्व होता है माइनस सेवन बाई फाइव एच आ गया अब के में जाओ फोर फोर जो सिक्सटीन के माइनस टू इक्वल्स टू माइनस सिक्सटीन बाई फाइव टू दे जाओ के इक्वल्स टू माइनस सिक्सटीन बाई फाइव प्लस टू टू फाइव जो टेन टेन माइनस सिक्सटीन होता है माइनस सिक्स बाई फाइव दे फोर इमेज इज एच के आ गया माइनस सेवन बाई फाइव के आ गया माइनस सिक्स बाई फाइव अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए और से सुनिए सपोज एक लाइन है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो और एक पॉइंट है एक्स वन वाई वन हमेशा याद रखना पॉइंट और लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस या तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका मतलब क्या है डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन लाइन और पॉइंट के बीच में हमेशा डिस्टेंस देखते हैं परपेंडिकुलर है ना परपेंडिकुलर देखेंगे ना ऐसा टेढ़ा थोड़ी देखते हैं ऐसा थोड़ी देखेंगे पॉइंट और लाइन के बीच में जो डिस्टेंस आता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो लाइन को समझेंगे एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो और पॉइंट को समझेंगे एक्स वन वाई वन तो ये फॉर्मूला है पी इक्वल्स पी से बताओ या डी से बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है कई का डिस्टेंस रखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन याद रखना मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर ये समझो पॉइंट समझो एक्स वन वाई वन की वजह ओरिजिन हो गया समझो जीरो कॉमन जीरो तो ये दो जीरो है आते क्या बचता सी उस वहां से क्या लेना डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन कभी भी फॉर्मूला आ गया समझो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन जब ये फॉर्मूला आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मॉड सी बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर मॉड सी बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब यहाँ पे देखिए एक दो क्वेश्चन है अपने पास फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम 3, 4 टू द लाइन अब अपन अभी देखे ना भाई लाइन को समझो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो पॉइंट को समझो एक्स वन वाई वन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखा है मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड ऑफ ए क्या है अपने पास थ्री एक्स वन भी थ्री है बी क्या है माइनस फोर वाई वन फोर है प्लस सी यानी प्लस टेन डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी थ्री स्क्वायर बी स्क्वायर यानी माइनस फोर स्क्वायर इसको सॉल्व कर लो 10 प्लस 9 19 होता ना 10 प्लस 3 इज 9 10 प्लस 9 इज 19 माइनस 16 19 माइनस 16 इज 3 बाय रूट ऑफ 16 प्लस 9 25 रूट 25 रूट 25 क्या होता है 5 रूट 25 इज 5 ऐसा और एक क्वेश्चन करेंगे देखिए फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम ओरिजिन ओरिजिन से बताओ ये और आसान हो गया ना ओरिजिन का फॉर्मूला क्या है मॉड सी बाई ओरिजिन से कोई लाइन का डिस्टेंस है कभी भी ये फॉर्मूला इसके लिए तो क्या आएगा बोलिए मॉड सी यानी माइनस फोर बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर ने वन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ने माइनस थ्री स्क्वायर मॉड में माइनस भी है तो प्लस रहना फोर बाई अंडर रूट ऑफ नाइन प्लस वन टेन अंडर रूट ऑफ नाइन प्लस वन क्या होता है टेन यहीं पर छोड़ा सकता है अगर इसको आप रैशनलाइज करना चाहे तो इंटू रूट टेन बाई रूट टेन कर दीजिए तो यह आता फोर बाई टेन इंटू रूट फोर बाई टेन इंटू रूट टेन टू टू जर टू फाइव जर कहीं भी कैसे भी छोड़ो बहुत तरीके छोड़ने के यहाँ पे छोड़ो या और भी सॉल्व कर सकते हैं टू इंटू रूट टेन लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट फाइव फाइव को लिख डालो रूट फाइव इंटू रूट फाइव एक रूट फाइव कैंसिल इसको ऐसे हो सकते हैं टू इंटू अंडर रूट ऑफ टू बाई फाइव यहाँ पे छोड़ो या यहाँ पे छोड़ो कहीं भी छोड़ो चल जाता है उसको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए आप लोग डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस सपोज देखिए दो पैरेलल लाइंस हमारे पास है इसके बीच में डिस्टेंस पैरेलल लाइंस कैसे लेते हैं देखिए ए एक्स प्लस बी वाई सेम है ना एक्स कोफिशिएंट वाई कोफिशिएंट दो लाइंस का अगर सेम नहीं है समझो
कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हो सेम आता है, सिर्फ कांस्टेंट में फर्क रहता है, एक कांस्टेंट सी वन से बताना, एक कांस्टेंट सी टू से बताना। पैरेलल लाइंस में क्योंकि स्लोप सेम रहता है इसलिए एक्स वाई का टर्म सेम ले लेना। अब एक कांस्टेंट सी वन से एक कांस्टेंट सी टू से डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस के लिए फॉर्मूला आता है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इसके लिए फॉर्मूला आता है डी इक्वल्स टू, एक लाइन क्या है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू है ना, इसके लिए फॉर्मूला क्या है डी इक्वल्स टू मॉड ऑफ सी टू माइनस सी वन बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए दो क्वेश्चन दिखा हमें बोर्ड पे, एक क्वेश्चन हम कर लेंगे, एक क्वेश्चन ट्राई करिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे दिया, देखिए फाइव एक्स माइनस थ्री वाई माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। अब और से देखिए ये क्वेश्चन कैसा है, ये फाइव एक्स माइनस थ्री वाई है ना, तो यहाँ पे अलग हो जा रहा है। देखिए ये मैं भी बताना एक्स का कोफिशियंट और वाई का कोफिशियंट दोनों का सेम है ना, अगर सेम नहीं है तो दो दो तरीके थे। एक आसान तरीका ये है कि आप और से देखो इसको कोई नंबर से मल्टीप्लाई करो तो इसके बराबर आता है, इसको कोई नंबर से मल्टीप्लाई करो इसके बराबर आता है। बोले किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, अगर टू से मल्टीप्लाई करेंगे टू फाइव ज़ार टेन, टू थ्री ज़ार सिक्स, समझे ना, टेन एक्स सिक्स एक्स होता है, इसलिए उसको ऐसा कर लेंगे मल्टीप्लाई बाई टू। अब अगर टू से मल्टीप्लाई कर दो टू फाइव ज़ार हो गया टेन एक्स माइनस टू थ्री ज़ार सिक्स बाई टू फोर ज़ार एट इक्वल्स टू जीरो। इसको समझिए आप ए एक्स पहली लाइन को प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, दूसरी लाइन में एक काम करेंगे नाइन दर ला लो, तो ये दूसरी लाइन होती है टेन एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस नाइन इक्वल्स टू जीरो। इसको समझो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो। समझ गए ना, हमेशा रखना एक्स और वाई का क्वेश्चन सेम है ना, अगर सेम नहीं है समझो कोई याद एक आध नंबर से मल्टीप्लाई कर तो दोनों सेम आते हैं, जैसे यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करें। अब सेकेंड क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सेम है ना एक्स वाई सीधा डायरेक्ट स्टार्ट कर लो। अब बोलिए डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला बताना, मैं भी मोड ऑफ सी टू माइनस सी वन बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मोड ऑफ सी टू, सी टू के पे क्या है माइनस नाइन, सी टू माइनस सी वन, सी वन के पे क्या है माइनस एट, फिर से माइनस आ रहा ना प्लस एट बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए इज टेन, टेन स्क्वायर हो जाएगा ये है ना प्लस माइनस सिक्स होल स्क्वायर, जितना सॉल्व कर सकते मोड ऑफ माइनस वन बाई अंडर रूट ऑफ हंड्रेड, क्या होगा ये हंड्रेड प्लस थर्टी सिक्स वन थर्टी सिक्स, थोड़ा सॉल्व करेंगे। मॉड का मतलब क्या है, माइनस भी आए तो नेगेटिव भी आए तो प्लस लेना, ये देखिए ये फोर से आता ना इसको फोर में चेंज कर लो, फोर इंटू लिख कर फोर से डिवाइड करना इसको, फोर से कैंसिल होता है ये देखिए आप, तो फोर इंटू लिख के फोर से डिवाइड कर लो, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व वन बचाना सिक्सटीन, फोर फोर ज़ा सिक्सटीन, क्यों लिखा सर रूट फोर भी जा सकते हैं टू, तो ये आता है टू रूट थर्टी फोर, टू रूट थर्टी फोर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए आप लोग, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमेशा रख लेना सपोज दो लाइंस को सॉल्व करना है तो सॉल्व करें तो ये पॉइंट आता है ना एक्स और वाई की वैल्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, हाउ टू सॉल्व, देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट कैसा हम करेंगे हम यहाँ पे गौर से देखिए। पहला इक्वेशन क्या है, एक काम को वन इधर ला लो, फोर एक्स प्लस एट वाई माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, दूसरा इक्वेशन क्या है टू एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। देखिए कई मेथड से एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ना, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बता रहा हूँ इंशाल्लाह, और इसमें अगर आप डिटेल में होना है तो आप फोर मार्क्स सेवन मार्क्स के क्वेश्चन देखिए, ऑर्थो सेंटर सर्कमसेंटेंस सेंटर, वहाँ पे बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करें अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ये मेथड कैसा स्टार्ट करना है, देखिए वाई का कोफिशिएंट लेके स्टार्ट करना, यहीं पर खत्म करना, कैसा पहले एट लेना फिर इसके बाद कॉन्स्टेंट माइनस वन फिर फोर फिर एट, यहाँ से बीस से स्टार्ट करना बीस पे खत्म करना। बोलिए कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम एट उसके बाद माइनस वन उसके बाद फोर फिर उसके बाद एट, यहाँ वाई के कोफिशिएंट से स्टार्ट करके वाई पे खत्म करना, फोर एट माइनस वन फोर एट, यहाँ पे बोलिए आप लोग माइनस वन क्या बोले सही माइनस वन फिर यहाँ पे वन फिर यहाँ पे टू फिर यहाँ पे माइनस वन, ये दोनों के बीच में ऊपर एक्स लिख डालो, ये दोनों के बीच में ऊपर वाई डालो, ये दोनों के बीच में वन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैसा सॉल्व करना, x डिवाइड बाय ये दो मल्टीप्लाई करना एट वन साइड, बीच में माइनस लिख डालना, ये माइनस के का ये फॉर्मूले का माइनस है, फिर ये दो मल्टीप्लाई करना माइनस इंटू माइनस प्लस होता है वन वन जब वन, वैसे y डिवाइड बाय के ये दो मल्टीप्लाई करना माइनस इंटू प्लस माइनस टू वन जब टू, फिर बीच में माइनस लिख के ये दो मल्टीप्लाई करना वन फोर जब फोर, वैसे वन डिवाइड बाई ये कॉन्स्टेंट फोर इंटू माइनस वन माइनस फोर, टू सिक्स जब टू एट ज़ा सिक्सटीन सॉरी माइनस सिक्सटीन, फिर एक बार देखिए फोर इंटू माइनस वन माइनस फोर माइनस सिक्सटीन एट माइनस वन है ना, यहाँ पे क्या है माइनस टू माइनस सिक्स, ये क्या होगा देखिए
8 divided by 8 minus 1, 7. Sorry, x divided by 7, y divided by minus 6, 1 divided by minus 20. अब ये 7 को यहाँ पे लेके चले ना, 7 वन सा 7 होता, x की वैल्यू आती, ये यहाँ पे लेके जाओ y की वैल्यू आती. बोले अब x कैसे आएगा, ये 7 यहाँ पे लेके जाओ, 7 वन सा 7, तो ये 7 बाई माइनस 20. वैसे y इक्वल्स टू ये इधर लेके चलो, माइनस 6 बाई माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल, ये क्या होगा, बोलिए 2 3s और 2 10s, ये तो कैंसिल होता ना, माइनस ऊपर डालो, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेगा माइनस 7 बाई 20 कॉमा 3 बाई 10. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द लाइंस आर कॉन्कुरेंट. किसको कॉन्कुरेंट बोलते हैं, ना अगर तीन या तीन से ज्यादा लाइंस एक पॉइंट से गए, तीन या तीन से ज्यादा लाइंस अगर एक पॉइंट से गए तो उसको बोलते हैं कॉन्कुरेंटनेस. तो अब ये पी मान को बोला तीन लाइंस में से है ना, ये लाइन में पी है, ये पी मान को बोला ये तीन लाइंस कॉन्कुरेंट है, बराबर एक ही पॉइंट से जा रहे. अब ये काम करो, पी का इक्वेशन छोड़ा लो ना, पहले ये दो लेके सॉल्व कर लेंगे. ये दो लेके सॉल्व कर तो पॉइंट आता ना एक्स वाई आता, जब इसमें एक्स और वाई डाले तो पी आता. हम क्या करेंगे, एक काम करो ना, सॉल्विंग बोल के डालेंगे है ना, कुछ से सॉल्व करेंगे. बोलो भाई 4x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू, एक काम करेंगे इसको वन नोट कर ले रहा हूँ. दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस py प्लस 2 इक्वल्स टू 0, सेकेंड इक्वेशन. और थर्ड क्या है हमारे पास, 6x प्लस 5y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, थर्ड इक्वेशन. हम क्या करेंगे, बोलिए सॉल्विंग 1 एंड 3 ले लो, क्यों, ये p वन करना ना, इसको अभी सही बोलते लंबा हो जाता. 1 और 3 सॉल्व करेंगे, ये पता है ना, वाई का कोफिशिएंट स्टार्ट करना, माइनस 3 लिखो, फिर माइनस 7, फिर 4, फिर माइनस 3, माइनस 3 माइनस 7 4, फिर माइनस 3, जहाँ शुक्र है वहीं खत्म करना. फिर यहाँ पे क्या है 5, इसके बाद क्या है माइनस 1, फिर 6, फिर 5, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे 1. तो कैसे आएंगे, बोलिए x डिवाइडेड बाय, ये दो मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, 3 वन ज़ा 3, माइनस लिख के फिर ये दो मल्टीप्लाई करना, 5 इंटू माइनस 7 माइनस 35, फिर से माइनस आना तो माइनस माइनस प्लस 35 आता. y डिवाइड बाई, ये दो मल्टीप्लाई करो, माइनस 42, माइनस ऑफ माइनस ये माइनस 4 आता, फिर से माइनस आता ना तो प्लस 4 आता, इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 20 माइनस 4, 5 और 20, माइनस माइनस 18, फिर से माइनस आना तो प्लस 18 आता. तो क्या आएंगे, बोलिए x डिवाइड बाई 35 प्लस 3, 38, y डिवाइड बाई माइनस 42 प्लस 4, माइनस 38, 20 प्लस 18, 38. ये इधर लेके जाओ x आता, ये इधर लेके जाओ y आता, तो x क्या आएगा, x इक्वल्स टू 38 बाय 38, y इक्वल्स टू माइनस 38 बाय 38, माइनस 38 है ना, ये वन्स आ, ये भी वन्स आ, यहाँ माइनस बचाना, देयरफॉर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या हो गया, बोलो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी बोलते हैं इसको, जहाँ से तीन लाइंस पास होते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज 1, -1. अपने को क्या मालूम करना है, p मालूम करना है, तो ये पॉइंट क्या करेंगे अपन, अब सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा 2x है ना, तो इसमें सब्स्टिट्यूटिंग इन 2x प्लस py प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 2 इनटू x इज 1, x 1 आया ना, प्लस p इनटू y इज माइनस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0. एक काम करो क्या होता है, देखिए ये प्लस इनटू माइनस, माइनस p इक्वल्स टू 2 1 2 2 2 4 4 उधर लेके चलो माइनस 4 माइनस माइनस कैंसिल देयरफॉर p इक्वल्स टू 4 p इक्वल्स टू 4 नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए आप लोग सपोज दो लाइंस है समझो एक पॉइंट से पास हो रही है ना ये बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब यहां से जितने लाइंस पास होंगे पॉइंट से पूरे लाइंस को मिला के बोलेंगे हम फैमिली ऑफ लाइंस बोलेंगे पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सपोज ये L1 इक्वल्स टू 0 है, ये L2 इक्वल्स टू 0, ये दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जितने लाइंस जाएंगे ना भाई, इसको बोलेंगे फैमिली ऑफ लाइंस, कितने भी पास होंगे इसको, तो जो भी लाइंस है उसको हम ऐसा ले सकते हैं, L1 प्लस लामरा L2 इक्वल्स टू 0, तो इसको बोलेंगे फैमिली ऑफ कर्व्स पास लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस L1 इक्वल्स टू 0 एंड L2 इक्वल्स टू 0. लामरा ने कोई भी एक नंबर है कॉन्स्टेंट है, पास होता लामरा के पे K भी यूज करते हैं, L1 प्लस K इंटू L2 इक्वल्स टू 0, और ये पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, पॉइंट ऑफ कॉन्स, यानी जितने भी लाइंस ऐसा पास हुएंगे दोनों के इंटरसेक्शन से उसको ले सकते हैं हम L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0. द फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस L1 इक्वल्स टू 0 L2 इक्वल्स टू 0 कैन बी टेकन एज L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0. कभी लैम्डा की वजह K यूज करते कंफ्यूज होना, एक ही बात बोले सर, K आया ना कोई पैरामीटर है, कोई कॉन्स्टेंट है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन इन द फॉर्म एल वन प्लस लैम्डा एल टू इक्वल्स टू जीरो। क्या दे रहा है, देखिए लाइन क्या है हमारे पास, टू प्लस फाइव के इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू वन प्लस टू के इंटू वाई प्लस टू माइनस के इक्वल्स टू जीरो। को से फॉर्म में लाना है एल वन प्लस लैम्डा एल टू, बहुत आसान है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर के कॉमन ले लीजिए, आता बस पहले मल्टीप्लाई कर लो, टू इंटू एक्स हो जाता टू एक्स प्लस फाइव के इंटू एक्स, ऐसा कर लो फाइव के एक्स, यहाँ पे आ जाओ माइनस इंटू प्लस माइनस थ्री वन जा थ्री इंटू वाई, थ्री वाई, वाई को भी मल्टीप्लाई करना वहाँ पे, वाई भी है ना, माइ प्लस इंटू माइनस माइनस, और से देखिए टू थ्री जा सिक्स के इंटू वाई, सिक्स के वाई प्लस क्या बचा इसको, ऐसे डालो टू माइनस के इक्वल टू जीरो। पहले वो टर्म से डालो जिसमें के नहीं है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म, तो क्या आएंगे बोलिए, टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस टू, ये एक लाइन हो गया प्लस। अब बाकी के जिसमें से के कॉमन ले लो, के कॉमन ले लो तीनों में से, जब के कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा फाइव एक्स, यहाँ से जब के कॉमन ले लेंगे तो माइनस सिक्स वाई, यहाँ से के कॉमन ले तो माइनस वन इक्वल जीरो। डेट इज ये आ गया ना ऑफ द फॉर्म, ऑफ द फॉर्म कौन से फॉर्म में आ गया, ये एल वन प्लस के एल टू इक्वल्स टू जीरो। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहा हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे होंगे, ये दो लाइन से वैसा, ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, ये दो लाइन सॉल्व के लिए तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी आता, तो देर फोर कौन सी लाइन है हमारे पास, एक लाइन है टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस टू इक्वल्स टू जीरो एल वन, वैसे ये एल टू प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्विंग जब से बताया ना भाई, सॉल्विंग कहाँ से स्टार्ट करना, बीच से स्टार्ट करना, माइनस थ्री टू माइनस थ्री टू टू माइनस थ्री टू माइनस थ्री, वैसे यहाँ पे बोलिए माइनस सिक्स माइनस वन फाइव माइनस सिक्स, ये दोनों के ऊपर एक्स लिखता लो, ये दोनों के ऊपर वाई, ये दोनों के ऊपर वन, यहाँ पे लिखूँ मैं एक्स डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस थ्री वन जा थ्री माइनस माइनस टू प्लस माइनस ट्वेल्व, यहाँ पहले से माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस ट्वेल्व होता है, वाई डिवाइड बाई टू फाइव जो टेन माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस वन, फिर से माइनस आ रहा ना तो प्लस हो जाता वन डिवाइड बाई माइनस इंटू प्लस माइनस ट्वेल्व माइनस माइनस फिफ्टीन, फिर से माइनस आ रहा ना प्लस फिफ्टीन, तो बोलिए क्या आएंगे, एक्स डिवाइडेड बाई ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन, एक्स डिवाइडेड बाई फिफ्टीन इक्वल्स टू वाई डिवाइड बाई ट्वेल्व इक्वल्स टू वन डिवाइड बाई फिफ्टीन माइनस ट्वेल्व इज थ्री, ये इधर लेके जाओ एक्स आता, ये इधर लेके जाओ वाई आता, तो एक्स क्या आएंगे फिफ्टीन बाई थ्री, और वाई क्या आएंगे बोलिए ट्वेल्व बाई थ्री, थ्री वन जा थ्री फाइव जा थ्री वन जा थ्री फोर जा, देर फोर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी किसको बोलेंगे हम, फाइव कॉमा फोर इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, लिख दीजिए इसको। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, एंगल बिटवीन द टू लाइंस, सपोज हमारे पास दो लाइंस है सपोज, ठीक है, तो एंगल बिटवीन द टू लाइंस के लिए फॉर्म होता है, दो एंगल्स आते हैं एक्चुअली, हम मॉड ले लें तो एक एंगल हो रहा है, मॉड ले लो तो ऑब्टूस एंगल छोड़ा दे सकता है, मॉड ले लेके कर लेंगे अपन, एंगल एक आ जाता है अपने को, दूसरा एंगल क्या होता है 180 माइनस, सपोज ये थीटा है तो दूसरा एंगल रहता है 180 माइनस थीटा, वो नहीं पूछता हूँ खाली फाइंड द एंगल बोलिए पूछता हूँ, तो फाइंड द एंगल तो दो फॉर्मले यूज करते हैं अक्सर, अगर समझो जनरल फॉर्म है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो, वैसी दूसरी लाइन जब ये एंगल का फॉर्म रहता है कॉस थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू बाई अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर, अगर स्लोप के फॉर्म में है तो एक लाइन का स्लोप एम वन लेते हैं, दूसरी लाइन का स्लोप एम टू लेते हैं, जब ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम टैन थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ एम वन माइनस एम टू बाई वन प्लस एम वन एम टू। अभी देखिए क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, एक काम करेंगे स्लोप के फॉर्म में ना, ये स्लोप का फॉर्मूला इसके लेंगे वाई इक्वल्स टू, पहले एक्स लिखता हूँ माइनस टू एक्स प्लस फोर, और एक लाइन क्या है वाई इक्वल्स टू थ्री एक्स प्लस सेवन, तो इसको कंपेयर कर लो वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यानी पहला स्लोप एम वन माइनस टू समझो, वैसे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, दूसरे स्लोप को m2 से बता डालो 3, तो देर फोर एंगल का फॉर्मूला क्या है, टैन में यूज कर लेंगे हम, ठीक है फॉर्मूला क्या है m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, क्या आएंगे m1 यानी माइनस टू माइनस m2 3 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इज माइनस टू इंटू m2 इज 3, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, क्या आएंगे बोलिए माइनस फाइव मॉड ऑफ माइनस सिक्स प्लस वन माइनस फाइव, माइनस माइनस कैंसिल फाइव वन सा फाइव वन सा, तो टैन वन आ रहा, कब आता टैन वन, टैन थीटा वन होता 45 डिग्री पे, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्रीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एंगल बिटवीन द लाइंस इज 45 डिग्रीज। अब एंगल दे रहा हूँ के मालूम को बोला, एक काम नहीं कि मैं स्लोप के फॉर्मूला इसके ले रहा हूँ, कैसे बोलो अगर लाइन का इक्वेशन है तो स्लोप मालूम के लिए फॉर्मूला आता है माइनस ए बाई बी। माइनस ए क्या है, ये ए होता है, ये बी होता है, ए है 4, बी क्या है -1, माइनस कैंसिल। तो एक काम करो, पहली लाइन का स्लोप 4 है ना, 4 m1 से बता लो, वैसी दूसरी लाइन का स्लोप -a/b, माइनस ए इज के बाई बी इज -5, माइनस ए इज के, माइनस कैंसिल, तो ये होगा k/5। अब देखो कैसे दे रहा हूँ, कौन सा सुनो, एंगल क्या दिया बोलो, टैन, एंगल इज 45 डिग्रीज, एंगल ऑलरेडी दे रहा हूँ, तो अपने को टैन 45 क्या होता बोलो 1, टैन 40, अपन क्या यूज करेंगे, टैन थीटा, फॉर्मूला क्या, एंगल बिटवीन द लाइंस का मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। अब एक काम को, tan 45 डिग्री से निकालो उसको, tan 45 डिग्रीज मॉड ऑफ m1 क्या है 4 माइनस m2 क्या है k/5 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, पहले ये लिख लेंगे अपन, है ना, tan 45 वाला लिख देंगे, tan 45 1, यहाँ पे एलसीएम लो, 5 4 जा 20, मॉड ऑफ 20 माइनस k/5, नीचे भी एलसीएम ले लो, 5 1 जा 5, 5 प्लस 4 k/5 इक्वल्स टू 1, 5 5 कैंसिल। अब देखो एक काम करेंगे हम, जब मॉड निकाले तो प्लस और माइनस यूज करना है, जब हम मॉड निकालेंगे तो दूसरे सेट क्या यूज करेंगे हम, प्लस और माइनस, तो ऐसा निकालो, और से 20 माइनस के बाई 5 प्लस 4 के इक्वल्स टू क्या आएगा, प्लस और माइनस 1। अब एक प्लस लेके सॉल्व करना, एक माइनस लेके, अगर प्लस ले तो क्या आएगा, 20 माइनस के बाई 5 प्लस 4 के इक्वल्स टू 1, और दूसरा क्या लेंगे, माइनस ले लेंगे, 20 माइनस के बाई 5 प्लस 4 के इक्वल्स टू माइनस 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 20 माइनस के इक्वल्स टू 5 प्लस 4 के, एक काम करो उसको ऐड कर लेंगे, प्लस 4 के दला तो माइनस 4 के होता, माइनस 4 के माइनस के माइनस 5 के इक्वल्स, ये 20 तो लेके जाओ, 5 माइनस 20 होता माइनस 15, माइनस माइनस कैंसिल, 5 वन्स ऑफ 5 थ्रीज, तो देर फोर के इक्वल्स टू 3 यहाँ से आ गया। वैसे इसको सॉल्व कर लो और एक वैल्यू आ जाएंगी, 20 माइनस के इक्वल्स, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू प्लस, माइनस 5 माइनस इंटू प्लस, माइनस 4 के, माइनस 4 के दला तो प्लस 4 के, 4 के माइनस के, 4 के माइनस के क्या हो जाएगा, 3 के इक्वल्स टू प्लस 20 देगा तो माइनस 20, माइनस 25, तो के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 25 बाई 3, माइनस 25 बाई 3। तो आज क्या करें भाई, क्लास में हम थोड़ी क्वेश्चंस करें हम स्ट्रेट लाइंस के, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कोई और ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। मैं आप लोग से गुजारिश है भाई, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, आप लोग अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसका कंटिन्यूशन करेंगे कुछ और चैप्टर्स इंशाल्लाह।